जनरल टिकट लेकर सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे 27 से 30 जून के बीच सभी ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा शुरू करने जा रहा है। अभी रेलवे ने यह सुविधा कुछ ट्रेनों में ही दी थी, लेकिन 27 जून से ना सिर्फ कम दूरी बल्कि लंबी दूरी के जनरल कोच में भी जनरल टिकट लेकर सफर करने की सुविधा शुरू हो जाएगी। दरअसल रेलवे ने पहले ही जनरल कोच में आरक्षण लेकर सफर करने की सुविधा बंद कर दी है, लेकिन ट्रेन में 4 माह का आरक्षण होता है। इस वजह से कई ट्रेनों में पहले से यात्रियों ने आरक्षण ले रखा था, जो 27 जून से खत्म हो रहा है। इसके बाद सभी ट्रेनों में जनरल टिकट लेकर सफर किया जा सकता है। जबलपुर रेल मंडल से रवाना होने वाली सभी 30 ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा दी गई थी, लेकिन जबलपुर या मंडल की सीमा से गुजरने वाली अधिकांश ट्रेनों में यह सुविधा नहीं थी, जिससे न सिर्फ जनरल टिकट लेकर सफर करने वाले परेशान थे बल्कि नियमित सफर करने वालों को भी दिक्कत हो रही थी। यात्रियों को इधर काउंटर से भी अब सभी ट्रेनों की जनरल टिकट मिलेगी। अभी तक यह शिकायत थी कि ट्रेन आने से कुछ घंटे पहले जनरल टिकट काउंटर बंद कर दिए जाते हैं, ताकि जिन ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा नहीं है उनमें यात्री अनावश्यक ना सवार हों। अब यात्रियों को इससे भी राहत। जून से लेकर जुलाई माह के दौरान ट्रेनों में काफी भीड़ भी है, वहीं अधिकांश ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा न होने से यात्री सफर भी नहीं कर पा रहे हैं। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।